नमस्कार दर्शकों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल वीआर एस्ट्रोलॉजी में। दर्शकों, भोग विलासिता के कारक ग्रह शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। शुक्र सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं 24 अगस्त की मध्य रात्रि में और 25 अगस्त की सुबह लगभग 1:15 पर। देखिए, शुक्र का ये गोचर रहेगा 18 सितंबर तक। यहाँ पर देखिए, कन्या राशि में शुक्र का प्रवेश करना बहुत हद तक सावधान रहने वाला समय रहेगा। इसकी हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप ये वीडियो पूरा अवश्य देखिए, आपके लिए जानकारी लाभदायक सिद्ध होगी। इसके अलावा दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमारे द्वारा करवाना चाहते हैं तो हमारे नंबरों पर संपर्क करके आप अपना कॉल अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब आते हैं दर्शकों, हम हमारे विषय पर बात करते हैं कि धनु राशि के लोगों के लिए गोचर किस प्रकार का रहेगा, आपको किस प्रकार से शुक्र प्रभावित करेंगे। देखिए, शुक्र आपके लिए देखा जाए तो दशम भाव में गोचर करेंगे, आपकी राशि से दशम भाव में नीच राशि के रहेंगे। इसके साथ ही साथ शुक्र पर राहु और मंगल का भी प्रभाव रहेगा, तो आपके लिए भी बहुत ज्यादा सावधानी रखने का ये समय रहेगा। वर्क प्लेस पर तनाव बढ़ सकता है, काम का बोझ ज्यादा रहेगा, आप फ्रस्ट्रेशन में आके कोई गलत डिसीजन भी ले सकते हैं, तो बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। यहाँ पर मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, कोई आपके काम का क्रेडिट किसी अन्य को मिल सकता है, इस कारण भी आप परेशान हो सकते हैं। तो तनाव में मत आइए, अपने काम को सुधारने का प्रयत्न करिए, तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा। इस समय में आपके मन में नौकरी छोड़ने के विचार भी आ सकते हैं, नौकरी छोड़ भी सकते हैं आप, ऐसी स्थिति बन रही है। परंतु जो भी करते हैं सोच समझ के करिए, कोई अच्छी जॉब आपके हाथ में हो तभी पहली नौकरी को छोड़ने का विचार बनाइए। इसके बाद दर्शकों, ये समय देखिए वर्क प्लेस पर थोड़ा सा ध्यान रखने का उस मामले में भी है कि अगर आपके साथ में कोई स्त्रियां काम करती है, फीमेल्स काम करती हैं, तो उनका सम्मान करिए। उनके साथ कोई भी अभद्र व्यवहार करना या फिर उन पर कुदृष्टि डालना आपके लिए एक तरह से बदनामी का कारण बन सकता है, क्योंकि वर्क प्लेस पर दिक्कतें होगी। यहाँ पर मंगल और राहु दोनों का प्रभाव है, तो आपका दिमाग ये घुमाएंगे, गलत कामों में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, सेक्सुअल डिजायर आपकी बढ़ सकती है, तो इन सब कामों से दूर रहिए, अन्यथा बदनामी साफ दिखाई दे रही है। इसके बाद दर्शकों, देखा जाए तो यहाँ पर अपनी सेहत का भी ध्यान रखने की जरूरत है, गलत खान पान से बचना चाहिए, कोई भी गलत आपको आदत है शराब आदि की तो उनसे दूर रहिए, अन्यथा आपकी सेहत बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है। इस समय में शुगर पेशेंट हैं आप, तो अपनी सेहत का खास ध्यान रखिए, खान पान पर नियंत्रण रखना जरूरी है। इसके बाद दर्शकों, देखा जाए तो यहाँ पर शुक्र आपके सबसे बड़ा असर करेंगे आपके दिमाग के ऊपर, और अपने गलत निर्णय आप ले सकते हैं। तो कोई भी डिसीजन लेते हैं तो सोच समझ के लीजिए, अन्यथा दिक्कतों में पड़ सकते हैं। शुक्र की स्थिति देखी जाए तो कर्जे बढ़वा सकती है, यहाँ पर आपके खर्च हो सकते हैं, कोई ना कोई कर्ज या लोन लेना पड़ सकता है, तो ये भी अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है तभी आप लोन वगैरह लीजिए, अन्यथा दिक्कतों में पड़ेंगे, फिर पैसों की तंगी भी महसूस करेंगे। तो बड़ा लोन लेना हो या कोई कर्ज लेना है तो सोच समझ के लीजिए, अन्यथा दिक्कतों में पड़ सकते हैं आप, फिर चुकाना भारी पड़ जाएगा आपके लिए। इसके बाद दर्शकों, देखा जाए तो शुक्र आपके लिए थोड़े खर्चे तो बढ़वाएंगे, साथ ही धन का भी नुकसान हो सकता है, व्यापार आदि करते हैं तो सोच समझ के कोई भी डील करिए, अन्यथा दिक्कतें आपके लिए बढ़ेगी। तो बहुत सावधानी रखने का समय है धनु वालों के लिए भी, अन्यथा दिक्कतों में पड़ सकते हैं आप। इसके बाद दर्शकों, देखा जाए तो स्त्रियों का सम्मान करना बहुत जरूरी है इस समय में। माता रानी के मंदिर जाइए, लाल पुष्प अर्पित करिए माता रानी को, इससे उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, ये भी आपकी स्थिति को सुधारेगा, निश्चित तौर पर यह समय आपके लिए अच्छा निकल जाएगा। तो सावधानी रखनी जरूरी है, ये सब सावधानी आप रखेंगे तो ये समय भी अच्छा निकल जाएगा। आज के लिए इतना ही दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।